7.1 तीव्रता के भूकंप से दहला जापान, दर्जनों घायल, 9.5 लाख घरों की बिजली गुल। हालांकि सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। जापान में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के पूर्वी समुद्री तट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 मापी गई है। अभी तक सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भारत में शुक्रवार रात लगे भूकंप के झटकों के करीब 20 घंटे बाद जापान में तेज भूकंप आया है। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक शनिवार रात आए भूकंप से डरकर लाखों लोग घरों से बाहर आ गए और ट्रैफिक थम सा गया। जापान के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति भंग हो गई। समुद्र में सुनामी आने का खतरा महसूस नहीं किया गया है। फुकुशिमा के पास था भूकंप का केंद्र। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र फुकुशिमा के पास जमीन में 60 किलोमीटर अंदर था। जापान के समय अनुसार भूकंप का तेज झटका रात 11:08 पर लगा। उस समय देश के ज्यादातर लोग सो रहे थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। टोक्यो और आसपास के इलाके की इमारतें अचानक हिलने लगी। लोग देर किए बगैर घरों से बाहर आ गए और सड़कों पर यातायात रुक गया। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक देश के करीब 9.5 लाख घरों की बिजली आपूर्ति भंग हो गई। भूकंप का झटका लगते ही नजदीक के फुकुशिमा, दाइनी और ओनागावा परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक सिक्योरिटी मोड पर चले गए। बावजूद इसके झटके थमते ही अधिकारियों ने दोनों संयंत्रों की सुरक्षा को परखा। एक अन्य परमाणु संयंत्र तोकाई मुरा की सुरक्षा भी परखी गई है। फुकुशिमा ही वह परमाणु संयंत्र है जहां पर 11 मार्च 2011 को भूकंप में भारी नुकसान हुआ था और बड़े क्षेत्र में विकर्ण फैल गई थी। यही नहीं, भूकंप के चलते सुनामी आई थी। इस आपदा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु बिजली घर दुर्घटना के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना थी। जापान में भूकंप आना सामान्य बात है। भूकंप के लिहाज से यह दुनिया का सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। समाचार एजेंसी एपी ने जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से बताया है कि पूर्वोत्तर जापान के तट पर आए भूकंप के तगड़े झटके फुकुशिमा, मियागी और अन्य क्षेत्रों में महसूस किए गए। जापान के सरकारी चैनल एनएचके टीवी ने कहा कि फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में इस भूकंप के चलते कोई खराबी तो नहीं आई है। भूकंप से फिलहाल कोई जानमाल के नुकसान की खबर भी नहीं मिली है। दक्षिण पश्चिम के कई शहरों में सहमे हुए हैं लोग। सरकारी चैनल एनएचके टीवी ने कहा है कि भूकंप का केंद्र समुद्र में 60 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके टोक्यो समेत दक्षिण पश्चिम के कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप उसी क्षेत्र में आया है जिनमें मार्च 2011 में सुनामी की त्रासदी आई थी। सरकार के प्रवक्ता कात्सु नोबु काटू ने सरकारी टीवी चैनल एनएचके को बताया, भूकंप के बाद लगभग 9.5 लाख घरों की बिजली चली गई। एक दिन पहले ही भारत में भी आया था भूकंप। गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रात 10:30 आए भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में जमीन से करीब 90 किलोमीटर नीचे था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई थी। दिल्ली के साथ ही गाजियाबाद, नोएडा और पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। ताजा जानकारियां हासिल करने के लिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।